हे गाइस, वेलकम टू आई लर्नर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक रेयर बायोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में, जो कि रिसेंटली स्पॉट किया गया है थिरुवनंतपुरम केरला में। वहाँ के कोल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये चीज फाइंड किया है कि जो हमारे ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं उनमें भी एक तरह का बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो रेयर फिनोमेना। उससे पहले आप ये जो न्यूज कट आउट है ये चीज देख ही सकते हैं कि एक रेयर बायोलॉजिकल फिनोमेना स्पॉट किया गया है ड्रैगन फ्लाइज में। तो आप पहले ये जान लीजिए कि ये जो है ये मेल स्कारलेट स्क्रीमर है और ये जो है ये फीमेल स्कारलेट स्क्रीमर है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। तो बेसिकली क्या हुआ है, वहां पर एक ऐसा ड्रैगन फ्लाई स्पॉट किया गया है जिसमें कि एक फीमेल और एक मेल दोनों के ऑर्गन्स पाए गए हैं, जिसे कहा जाता है जेनेंड्रोमॉर्फिज्म। फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये है जेनेंड्रोमॉर्फिज्म। ये एक रेयर बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है जिसमें कि ये जो आपको मेल इनके जो रेड कलर के होते हैं, जिनमें रेड कलर का प्योर ब्लड होता है, उनका पूरा हेड हो या उनका थोरेक्स हो या उनका जो पंख है, ये सारे के सारे जो चीज़ होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, डार्क रेड कलर। और ये जो फीमेल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, पेल येलो कलर, राइट। तो अगर इन दोनों का एक कम्बिनेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं हम जेनेंड्रोमॉर्फिज्म इन स्कीमोस, राइट। तो ये बेसिकली स्पॉट किया गया था जब ये एक तरीके का एक रिसर्च कर रहे थे इनके ऊपर, जिन्हें ओडोन्स कहा जाता है। एक यूनिवर्सिटी है ओडोन्स की त्रिशूर में, तो वहां पर इन्हें ये जो फिनोमिना है वो देखा है। ये कोल ऑडेंस सर्वे कर रहे थे। फ्रेंड्स, इस फिनोमिना को एक टर्म से आप कह सकते हैं जेनेटिक एबरेशन, जिसमें कि दो जेंडर्स के जो जीव होते हैं मिल जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है जेनेटिक एबरेशन। उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा कि जेनेंड्रोमॉर्फिज्म आर शिमरिक इंडिविजुअल्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल टिश्यूज एंड आर व्यूड बाय साइंटिफिक कम्युनिटी एज अ जेनेटिक एबरेशन, जिसमें कि थोड़ा पार्ट रेड होगा थोड़ा पार्ट येलो होगा। इसका एक एग्जाम्पल आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जहाँ पे इसका जो हाफ थोरेक्स जो है ये रेड कलर का है, बाकी पार्ट जो है येलो कलर का है। तो इनके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो होते हैं ये डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि दो चीजों से मिल करके बन जाते हैं, इसे कहा जाता है जेनेटिक एबरेशन। फ्रेंड्स, ये थी न्यूज पूरी की पूरी जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ऑडेंस, ऑर्थोपॉड और गैनेंड्रोमॉर्फ ये क्या है, इनकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है जिसे आप रीड कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो इसे आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।